नमस्कार बच्चों। तो आज हमने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको कैपेसिटेंस और वैन डेर वाल्स जनरेटर पर, इन दोनों पर कुछ डेमो वगैरह लेके आएंगे। तो वैसे मैंने कोशिश किया है कुछ आपके लिए अरेंज करने की, और वह ज़रूर आपके सामने भी अभी होगा। कैपेसिटेंस में आप अच्छी तरह पढ़े हैं, हम जो पढ़े हैं वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़े हैं, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, उनमें दो, कोई भी कैपेसिटर में क्या होते हैं, दो मेन पार्ट उसे क्या होते हैं, दो कंडक्टर्स होते हैं, उन कंडक्टर्स के बीच में क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग या उसको बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, वही रखा होता है। और यही सिस्टम क्या होता है, कैपेसिटर बनाता है। और ये सेटअप बहुत ही वर्सटाइल डिवाइस है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ बहुत सारे सर्किट्स में होता है। तो आपको पहले भी बता दिए हैं कि ये क्या हैं, ये कैपेसिटर्स, ठीक है, ये कैपेसिटर के कंडक्टर हैं, और इनमें इनका कैपेसिटेंस कैसे कैसे वेरी करता है, कैसे बना सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, ये दो कंडक्टर हैं, अगर इसको आपने प्लस क्यू चार्ज दिया तो माइनस क्यू चार्ज यहाँ आ जाएगा। ये प्लेट एरिया ए है, ए बी ए है, ठीक है, अगर ना भी हो तो भी क्या हो जाएगा, जो सामने सामने की एरिया है, दोनों प्लेट के बीच की जो ओवरलैपिंग एरिया है, जो आमने सामने जितनी एरिया दोनों की पड़ रही है, वो एरिया ए में गिना जाता है। और अगर कोई मटेरियल इसमें न भरा हो, डाइलेक्ट्रिक बस एयर हो, तब फिर क्या होता है, सी इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। डी क्या है यहाँ पर, ये प्लेट्स के बीच की सेपरेशन है। तो ये बात हुई थी आपसे कि ऐसा ये होता है। अभी अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये कैसे वेरी करता है। तो इसके लिए चाहिए कि हमें कैपेसिटर का सेटअप चाहिए, हम घर पे भी बना सकते हैं कैपेसिटर, कोई भी दो कंडक्टर, दो प्लेट या दो थाली ऐसे जोड़ दिए, दो दूर बीच में थर्माकोल रख दिया या कागज़ रख दिया, कपड़ा रख दिया नॉन कंडक्टिंग, और क्या हो गया, कैपेसिटर तैयार हो गया आपका। तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं, बना के कर सकते हैं। और मेरे पास तो देखिए ये रेडीमेड ये कंडक्टर्स हैं, ये एल्युमिनियम की शीट है हमारे, मेरे पास कितनी है, एक ये है और एक ये है, और दोनों की एरिया, ठीक है, दोनों एकदम एक दूसरे पर सेट हो जाते हैं, और दोनों की एरिया भी क्या है, दोनों की एरिया सेम है। तो इस तरह से क्या हुआ, हम इनका यूज़ करेंगे कैपेसिटर की कंडक्टर की तरह, और उनके बीच का गैप बढ़ाने के लिए हमारे पास ये एक फ्रेम है जो इससे इंसुलेटेड है, अरे ये प्लास्टिक के बेस जुड़े हुए हैं, यहाँ पर ये प्लास्टिक का है, इस पर हम रख सकते हैं, इस पर होल्डर इसके लगे हुए हैं, ये होल्ड कर सकता है और कॉन्टैक्ट में भी नहीं आएगा, तो मेटेलिक कॉन्टैक्ट नहीं होगा, और ये हम दिखा भी सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, एक देखिए ये LCR मीटर कहते हैं इसको, उम्मीद करते हैं इसकी रीडिंग्स आप देख पाएंगे, मैं वहाँ कैमरे के सामने आके इसको दिखा दिया करूँगा आपको थोड़ा सा। और ये एक्सपेरिमेंट जब भी होगा हम थोड़ा सा आगे कर देंगे कि आप इसको देख पाएँ। जैसे ये आप देख सकते हैं, आराम से इसमें पढ़ सकते हैं कि ये इस पर लिखा क्या हुआ है, ठीक है, ये 16 यहाँ पर तो 1 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ये रीडिंग बताएगा इसमें LCR, LCR का मतलब होता है, देखिए अभी आप पढ़े नहीं हैं, लेकिन L क्या है, इंडक्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, यह किसी कॉइल का इंडक्टेंस होता है, जैसे आप किसी वायर का रेजिस्टेंस नापते हैं वैसे ही कॉल का क्या होता है, इंडक्टेंस होता है, वैसे कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। तो हम इससे कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस तीनों मेजर करने के लिए होता है, और जिसको मेजर करना होगा उस पर हम इसको हम फिक्स कर देंगे। तो यहाँ है तीनों के मेजर करने के लिए, देखा ये यहाँ पर क्या है, ये रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए है, यहाँ इंडक्टेंस मेजर करने के लिए है, और यहाँ पर कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए है।
ठीक है। तो आइए, तो इस पर हम लोग क्या करते हैं, तो ये हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा देखना। तो आप देखिए क्या है, हमें बस कह रहे थे ना कि कैपेसिटर के लिए क्या चाहिए, आपको बस दो कंडक्टर चाहिए और बीच में कोई नॉन कंडक्टिंग मीडियम, तो एयर भी तो है। तो एक शीट देखिए, ये आप देख रहे हैं, दूसरी एल्युमिनियम शीट ये है, ये दोनों एल्युमिनियम की शीट्स हैं। और हम इसको यहाँ पर रख करके क्या कर सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं कि ये कैसे इसमें होल्डर है, तो होल्ड कर सक करा सकते। देखिए ये यूँ है ना, तो यहाँ दूर से हो सकता ना दिखाई दे, यहाँ स्केल है सेपरेशन पढ़ने के लिए, आप आराम से पढ़ सकते हैं सेपरेशन। यहाँ पर ये सेपरेशन पढ़ने के लिए यहाँ पर स्केल बने हुए हैं, वहाँ 0 to 10, इधर से 0 और यहाँ 10, यहाँ पर भी क्या है ये 0 से 10 इधर पढ़ने के लिए। तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी। और हम जो सेपरेशन रखेंगे यहाँ, ये दोनों प्लेट्स को हमने रख दिया, अब एक कैपेसिटर हमारा बन गया। ये कितना कैपेसिटेंस होगा इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए ये यहाँ दोनों प्लेट सामने सामने हैं, पूरी एरिया सामने सामने है, इनके बीच का गैप हम बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये देखिए गैप इनका बढ़ रहा है घट रहा है, ऐसे कम कर सकते हैं, और इस तरह का गैप देखिए, थोड़ा हमको लग रहा है कि कैमरे में ये विजिबल हो पाएगा, ठीक। तो इनमें हम ये इसके टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये क्लिप है, क्लिप तो दरअसल बस ऐसे पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए हमने ये इसमें हमने लगा दिया, सो कनेक्ट कर दिया, और एक यहाँ लगा देंगे तो ये पढ़ने लगेगा कितना कैपेसिटेंस है। तो अभी ये ऑन नहीं है, ये देखिए, और साथ में ये तो बहुत कम है, देख रहे हैं, ये नैनो फैरड पीको फैरड आप पढ़ पा रहे होंगे, हो सकता है पढ़ पा रहे हों। देखिए ये कितना बता रहे हैं, ये जो रीडिंग है 31.23 ऐसे करके चेंज हो रहा है, तो 31.23 ऐसे बता रहा है। आप इसको देखिए, और सेपरेशन इतना है, सेपरेशन काफ़ी दिख रहा है प्लेट्स में। और अगर हम इसकी सेपरेशन को हम पढ़ के बता दें आपको कि कितना है, तो अभी अभी जो सेपरेशन है वो 5.5 सेंटीमीटर है, तो 5.5 सेंटीमीटर में बड़ी एरिया है, ये काफ़ी बहुत बड़ा है, 10 इंच लगभग 25 सेंटीमीटर ये इसकी लेंथ है और ब्रेथ है, तो इतने 25 सेंटीमीटर और 25 स्क्वायर सेंटीमीटर की एरिया है प्लेट्स की, तो उतने में ये बता रहा है जो 28 अभी जो पढ़ रहा है, अभी रीडिंग है एकदम से सही, अभी भी जो पढ़ रहा है ये 28.3 ऐसे पढ़ रहा है। थोड़े देखिए इधर हिलने डुलने से सेपरेशन क्या हो रही है, बदल जा रही है, थोड़ा मोड़ा सा चेंज हो जा रहा है, और ये 5.5 था तो ये रीडिंग बता रहा है। देखिए 30 भी अभी 31 ऐसे बता रहा है ना, 31 भी बता रहा है, तो ऐसे हो गया। अभी कह रहे हैं कि आप अगर सेपरेशन इसकी हाफ कर दें, ये पीको फर्ड में है, सोचिए इतनी बड़ी एरिया है उसके बाद भी पीको फर्ड में है, बसरते इसकी डिस्टेंस क्या है इनके बीच की, 5.5 सेंटीमीटर है। अभी अगर डिस्टेंस हम क्या करें, इसको थोड़ा सा हम कम कर दें, अभी ये 5 पर पढ़ते हैं, तो वही 5 का गैप है, 28 बता रहा है, 28 बता रहा है, स्टैग्नेंट इसी पर है। तो अभी जो
30 ये हटा लिए तो 30.5 30.6 ऐसे बता रहा, थोड़ा रखने पर कहीं दब रहा होगा इस पर, तो इसलिए ये आप इसको आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर इनकी रीडिंग ऐसे। ठीक, तो और अगर इनको सामने यहाँ पर ऐसे कर दिया जाए तो आपको ज़्यादा इजीली दिखा पाएंगे हम। और हाँ ये तो आप देखिए कितना पढ़ पा रहे हैं, कभी ये देखिए हिलने डुलने से गैप थोड़ा सा क्या हो रहा है, जैसे से बदल रहा है तो वैसा वैसा क्या पढ़ रहे हैं आप, थोड़ा सा अलग भी पढ़ पा रहे हैं। अगर इसको हम सेपरेशन देखिए क्या लिखा हुआ है, डी ये सेपरेशन है, यही वाला डी क्या है 5 सेंटीमीटर है, एरिया तो फिक्स है जितनी है, हम प्लेट छोटी नहीं कर सकते तो ये फिक्स है, और ये डी को अगर हम 1/5 कर दें, 1/5 समझ रहे हैं ना, यानी 1 सेंटीमीटर कर दें, तब क्या बताना चाहिए। अगर ये 1/5 हो जाए डी बाई 5 हो जाए तो उससे कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 5 टाइम्स, यानी ये 30 के आसपास का मामला बन रहा है, 31 बता रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 150 के आसपास हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि डी अपॉन 5 हो जाएगा तो 5 ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे में अगर हम आइए 5 को देखें कि अगर हम 5 किसका करके इसको हम 5 ले आ रहे हैं, 1 कर दे रहे हैं 1, तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे थे किसकी कि 150 हो जाएगा, लेकिन 91 अब डिजिटल मीटर्स हैं, थोड़े से फर्क होते हैं, लेकिन बस इतना ही इसमें वेरीफाई हो रहा है कि सेपरेशन कम होने से क्या होता है, सेपरेशन कम होने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, और एक गैप 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही है हमको दिखने में जो यहाँ पर अभी फ़िलहाल है। ठीक है, अब ये गैप 101 और 99 इस तरह का ये बता रहा है। हम और गैप इसमें कम कर दें, ये लगभग 0.5 सेंटीमीटर गैप हो गया है, और ये 139 बता रहा है, तो और गैप कम कर देने से बढ़ गया, ऐसा बढ़ गया। अभी एक चीज़ और आपको बताए थे ना कि अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसमें डाल दिया जाए, कोई रख दिया जाए, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अब चाहे पार्शियली फील्ड हो चाहे कंप्लीटली फील्ड हो, तो ये हमारे हाथ में क्या है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, थोड़ा सा ब्राउन पेपर चिपका हुआ है, तो इसको ऐसा कन्फ्यूज नहीं होना है, तो ये प्लास्टिक का बना हुआ है। और ये देखिएगा, इसको देखते रहिए, ये कितना बता रहा था, अभी आप पढ़ पा रहे होंगे, ये जितना बता रहा है वो है 150 के आसपास। ये फ्लक्चुएशन देखिए होते रहते हैं, कह रहे हैं कि डिजिटल मीटर्स हैं, थोड़े से भी इधर उधर अगर हिलता डुलता भी है, इवन अगर हमारे बोलने से भी प्लेट में वाइब्रेशन हो रहा है, तो उससे भी क्या होगा, ये बदल रहा है। अभी ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, प्लेट्स के बीच में रख दें, एक कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, थोड़ा गैप ज़्यादा है हम, लेकिन फिर भी उसमें डाल दे रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, ये बढ़ जाना चाहिए, है ना। आप ये देख रहे हैं 170 हो गया, तो ये डाइलेक्ट्रिक, ये प्लास्टिक की सीट है, और ये 170 हो गया था, फिर ये 129, 128, 130, 128 ऐसे करके फिर आ गया। देर तक देखिए रीडिंग लेंगे तो ये क्या होगा, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा वो कम ज़्यादा बताता रहेगा, फ्लक्चुएशन डिजिटल मीटर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ऐसा है ये। तो ये अभी 135, 134 ऐसे कुछ बता रहा है, और जैसे ही वापस डायलेक्ट्रिक सीट इसमें डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, ये क्या बन गया 164, तो काफ़ी बढ़ गया, 139, 130 और 140 के बीच बता रहा था, अभी क्या हो गया ये 170 के आसपास चला गया। तो ये इससे हम कैपेसिटर और कैपेसिटेंस देखते हैं। याद रखिए कि 5 सेंटीमीटर की एरिया है, अरे 5 सेंटीमीटर का गैप था, तो ये 28 बता रहा था,
गैप 1 सेंटीमीटर कर दिया तो फिर क्या हुआ, ये 90 के आसपास चला गया। हालांकि और ज़्यादा होना चाहिए था, प्रोपोर्शन में होना चाहिए था, 140 130 वैसे हो जाना चाहिए था, लेकिन उतना नहीं हुआ। तो इसके कई और वजह होंगे, ये एयर, ये डायलेटिक मीडियम, ये कुछ और हो सकता है, किसी वजह से और इंडक्शन वगैरह कहीं हो रहा हो, कुछ दिक्कत हो रही हो उसके साथ, तो ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। आपको एकदम आइडियल रीडिंग्स जल्दी नहीं मिल पाती हैं, फिर भी एक रफ आइडिया तो मिल जाता है कि ये क्या कर होना है। तो अभी एक और हमारे पास सेटअप है इनके, कि ये बड़ी एरिया है और इनको हम हटा करके इन प्लेट्स को फिर छोटी एरिया वाले हम ये ले आते, ये छोटी एरिया वाले क्या उम्मीद करते हैं अगर इसको 5 पर रखा जाए तो। ओके और एक प्लेट ये है, ये छोटी एरिया है, और अब क्या होना चाहिए, इन्हीं का कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, पहले से अलग होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये वो 25 सेंटीमीटर का था और ये 15 सेंटीमीटर से कम है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको ऑन करते हैं 23, थोड़ी उससे छोटी एरिया का है और 23 बता रहा है, वहाँ पर क्या बता रहा, 30 के आसपास बता रहा था, बड़ी एरिया थी तो 30 के आसपास बता रहा था। तो ये आपका क्या हो गया, इस तरह से ये 20 एक पीको फैरड है, याद रखें, ये बहुत कम कैपेसिटेंस है, सोचिए कि फैरड बहुत बड़ी यूनिट होती है, तो ये छोटी कैपेसिटेंस कैपेसिटर है। और अगर इनको हम और पास में ले आ दें तो ये क्या हो जाएगा, ये आधा सेंटीमीटर ये नीचे तो 1 सेंटीमीटर गैप दिख रहा है, यहाँ ऊपर कम है, इसी वजह से देखिए उसमें भी गड़बड़ी आ रही थी कि ये गैप नीचे ज़्यादा और ऊपर कम ऐसे हैं, और ये होल्डर जो इनके हैं इनमें कुछ थोड़ी सी ज़रूर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो चलेगा। ये ऐसे में देखिए कितना हो गया, 76, तो 23 का 1/5 डिस्टेंस करने पर 76 हो गया, लगभग 4 times हो गया, 3 times और 4 times के बीच में हो रहा है, ऐसे बन रहा है, यानी कुल मिला जुला के ये बढ़ना है, ठीक, सेपरेशन कम करने पर बढ़ रहा है, और एरिया बड़ी होगी तो वैसे बढ़ रहा है, सेपरेशन कम होगी तो बढ़ रहा है। तो ये आपके ये प्लेट्स, इनके आप क्या हुए, कैपेसिटेंसेस हो गए इस तरह। और हम बड़े कैपेसिटेंस भी देख सकते हैं, अभी हम ये सेटअप हटा करके आपको एक नया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, ये जो देख रहा है ना, रैपिंग पेपर यानी एल्युमिनियम फॉइल, इतना बड़ा बड़ा हमने ले लिया कट करके, ये आपका रोल अभी हमारे पास ये पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ ये, और इसी में से कट किया हुआ है, और ठीक है ना, ये सबके घरों में यूज़ होता है, आप जानते हैं, रैपिंग करने के लिए, खाना को फ्रेश करने के लिए, फ्रेश रखने के लिए एल्युमिनियम यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता खाने के साथ, इसलिए उसका हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर तो ये एल्युमिनियम क्या है, कंडक्टर है, बहुत पतला पतली शीट है ये, तो ये कंडक्टर है। और यहाँ पर एक और उसी साइज में लगभग लगभग ले लिया, 2 कंडक्टर हो गए, और बीच में नॉन कंडक्टिंग मीडियम के तौर पर हम क्या ले लेंगे, अगर ये शीट कागज़ देख रहे हैं ना, बस ध्यान यही रहे कि अगर नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग मटेरियल जो रख रहे हैं यहाँ पर, वो क्या हो, यहाँ पर चिपके नहीं,
दोनों शीट्स में कांटेक्ट ना हो। तो एक एक शीट यहाँ पर देखिए, ये एक शीट ये है और दूसरी सीट हम ये ले ले रहे हैं, यहाँ पर ले ले रहे हैं, ये दो शीट्स हैं, दो कंडक्टर हो गए, और इनमें क्या करेंगे, इनके बीच में नॉन कंडक्टिंग मीडियम रख देंगे। तो नॉन कंडक्टिंग मीडियम के तौर पर हमने क्या किया, एक पेपर ले लिया, ए फोर साइज़ का ये पेपर है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम मान लेते हैं आपके लिए यहाँ पर दो पेपर ले लेते हैं, ठीक है, और इस तरह से तो दोनों ओर कंडक्टर रखे, बीच में पेपर, बीच में ये नॉन कनेक्टिंग मटेरियल यानी पेपर रख दिया, शीट रख दिया एक ए फोर शीट, और यहां पर देखिए दोनों ये ऐसे कर दिया। अब मैंने थोड़ी सावधानी बरती है कि ये क्या हो जाए, आपस में चिपके नहीं, है ना। देखिए इधर भी रख दिया एल्युमिनियम शीट, एल्युमिनियम का फॉयल यहां भी और यहां पर भी रख दिया, तो इससे क्या होगा, एक हमारा कैपेसिटर तैयार हो गया, होममेड कैपेसिटर। आप जो एरिया सामने रहेगी वही एरिया यहाँ पर हम लगभग रखे हुए हैं। हम इसको क्या करेंगे, एक और पेपर में दबा, थोड़ा सा ये थोड़ा ये हार्ड पेपर है, इसमें हम दबा दे रहे हैं, ये बाहर से दबाने के लिए, ये सेफ रखने के लिए, थोड़ा हिल डुल रहा था ना, तो ऐसा इसको मत समझिएगा कि कुछ अलग, इसका कोई रोल नहीं है, है ना, इस पेपर को बस हम अलग रखने के लिए रख रहे हैं कि इन दोनों को अलग रखे। हाँ, तो ये हो गए। अब देखिए हम इसको एक क्लिप से थोड़ा प्रेस कर दें, नहीं तो खिसक जाएगा, यहाँ पर हम इसको ऐसे प्रेस कर देते हैं, नहीं तो ये क्या होगा, खिसक जाएगा ऐसे, है ना। अब कहीं पर भी ये कांटेक्ट में नहीं है, एल्युमिनियम शीट से कांटेक्ट में नहीं है, तो ये अगर दब जाएगा तो क्या हो जाएगा, खिसकेगा नहीं। तो अब कैपेसिटर तैयार, और इसको अच्छी तरह से आप इसमें प्रेस कर सकते हैं, ऐसे दबा सकते हैं बढ़िया से, और इसकी वैल्यू को आप पढ़ सकते हैं। क्या करेंगे इसको पढ़ने के लिए, हमें कनेक्टर चाहिए ना, दोनों शीट्स में कनेक्ट होना चाहिए, तो इसी को हम यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक, और एल्युमिनियम को ही कनेक्टर की तरह यूज़ कर रहे हैं, हम ऐसे कट कर ले रहे हैं, यहाँ पर तो एक एक कनेक्टर चाहिए हमको, यहाँ पर ऊपर एक शीट से यहाँ पर चाहिए, देखिए तो इसको हमने इधर रख दिया, कनेक्ट कर दिया, देखिए ये अब ये कहीं नीचे वाले शीट को टच नहीं करेगा, ये बस एक शीट से टच कर रहा है, इसको कनेक्ट कर रहा है एक सीट से, इधर इधर वाली सीट से नहीं कनेक्ट कर रहा, तो इधर वाला जो कंडक्टर है उसके लिए अलग से हम दे दें, ठीक, ये देख रहे हैं, तो उधर वाले कंडक्टर के लिए हम एक और कनेक्शन दे दें, तो ये देखिए इस साइड हो गया ये कनेक्टर यहाँ पर, अब इस साइड कनेक्टर देना है यहाँ, ये ऐसे, और टच करने से अगर डर रहे हो कि बच जाएगा, टच कर सकता है, थोड़ा आगे पीछे कर दीजिए, इसको खिसका के यहाँ पर कर दीजिए और इसको खिसका के यहाँ कर दीजिए, ठीक, और अगर बचा कर किसी तरह अगर इसको प्रेस कर देना है तो आप कर सकते हैं, बशर्ते टच ना करे, यूँ कहीं से, ये भी मेटल का है, जो बाइंडर क्लिप है मेटल का है, तो टच ना करे कहीं से, ये बाहर। अब हमारे लिए क्या हो गया, ये दो कनेक्शंस हो गए, यहाँ पर एक यहाँ पर, इससे हम कनेक्ट करके इनकी रीडिंग पढ़ सकते हैं, ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया। और वो क्या हो सकती है, देखिए अभी आप देखिएगा, आपके लिए थोड़ा सुविधाजनक हो जाए पढ़ना, इसलिए मैं इसको कोशिश करूँगा कि आपके सामने पढ़े, ठीक है, देखिए ये हो गया। आप तो एक क्लिप को हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया इससे, ठीक, और दूसरी क्लिप को हमको लग रहा है कि आपको दिखना चाहिए, तो ये हमने देखिए क्या कर दिया, एक को ऊपर से कनेक्ट कर दिया है, एक प्लेट को, दूसरी प्लेट को भी जा रहे हैं कनेक्ट करने, और इस तरह से
हम दूसरी प्लेट को भी कनेक्ट कर लें ये। तो हमने ये दोनों को देखिए कनेक्ट कर दिया है, ये दोनों फ्लैग जैसे निकले हुए हैं वो अलग अलग, ये जो आपको राइट वाला दिख रहा है ना, आपके लिए राइट मेरे लिए लेफ्ट है, तो जो ब्लैक वाला दिख रहा है टर्मिनल वो ऊपर वाले से कनेक्टेड है और जो रेड वाला है वो क्या है नीचे वाले से कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये रीडिंग पढ़ेगा अगर इसको हम ऑन करेंगे तो, ये एक्चुअली ये देखिए इन नैनो फैरड में है, पीको फैरड और नैनो फैरड में काफ़ी अंतर होता है। 1000 पीको फैरड का एक नैनो फैरड होता है, ठीक है। तो 1000 पीको फैरड इक्वल्स 1 नैनो फैरड होगा ना ऐसा। तो ये उतना पढ़ रहा है कि आपको 1.3 देखिए जगह जगह जहाँ थोड़ा दब हम ऐसे प्रेस कर दे रहे हैं तो क्या बढ़ जा रहा है देख रहे हैं ना, 1.5 है और ये 1.4 अभी बता रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है आपको स्केल में ये दिख रहा है, और हमें लग रहा है कि अगर टेबल को थोड़ा हम आगे कर दें तो और दिख जाएगा अच्छी तरह से, ठीक देख लेते हैं। यस 1.3 ऐसा बता रहा है, और वन पॉइंट टू बता रहा है और दोनों एक कनेक्टेड है। अगर हम इसको प्रेस करते हैं देखिए देख रहे हैं, प्रेस करने से क्या हो गया 3.8 3.9 ऐसे बता रहा है, प्रेस कर देने से पूरी तरह प्रेस कर दें देखिए 4.4 ही बताने लगा। तो प्रेस करने से क्या हो रहा है, हम बहुत ज़ोर से उसको दबाए पड़े हैं, जो लिए हैं ना हम उसको प्रेस किए हुए हैं बहुत ज़ोर से, इसलिए जब प्रेस कर रहे हैं ना तो थोड़ा जो शीट्स थोड़ी मुड़ी उड़ी थी या जो पेपर का जो सीट रखा हुआ है वो उनके बीच में गैप है, थोड़ा एयर गैप है, वो हमारे प्रेस करने से और पास आ जा रहा है। तो प्रेस करने से क्या हो जा रहा है, ये डी कम हो जा रहा है, जो डी की वैल्यू है वो कम हो जा रही है प्रेस करने से, इसलिए वो बढ़ जा रहा है। अभी देखिए क्या है, 1.3 1.4 बता रहा है ना, अगर हम प्रेस कर देंगे ऐसे तो क्या बताने लगा देखिए 4.1। तो प्रेस करने से बीच का एयर निकल जा रहा है, गैप जो छोटा हो जा रहा है, इसलिए ये कैपेसिटेंस बढ़ जा रहा है। और ये नैनो फैरड का है, वो जो आपको एल्युमिनियम मेटल शीट्स जो बड़े बड़े थे उनको उनसे जब दिखाया था तो वो कम था, काफ़ी पीको फैरड में था, ये नैनो फैरड में है। हाँ वो पीको फैरड में 28 था 30 था 23 था 99 ऐसे करके 140 170 था, वो पीको फैरड में था, लेकिन ये तो 4 नैनो फैरड में है, यानी 4000 पीको फैरड में हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी एरिया है और 3.834 दबाने पर ऐसे आ रहा। अभी अगर हम इसको चाहें तो क्या कर सकते हैं, आपको ये जो आपका सिस्टम बना हुआ है निकल गया सॉरी, तो ये कनेक्टर सही देखिए, वो कनेक्टर चिपके हुए थे उसमें प्लेट में, ये निकल गए। आपको एक चीज़ और दिखा, बस इतना ही देखिए, ये हमने प्लेट्स रखे, ये जो कनेक्टर्स हैं वो भी तो कंडक्टर ही हैं और वो शीट की तरह हैं। तो अगर इनको भी देखिए, ये भी इनका ये 9.7 बता रहा है, अगर इनको हम सामने सामने ले आए गैप कम करें देखिए क्या हो रहा है, देखिए 11.12 11.9 और दूर कर देखिए क्या हो जाएगा 9.9 ऐसे हो गया 9.2। तो ये दूर करने पास करने पर ये भी कब से बना रहे हैं। तो इनका कैपेसिटेंस इस तरह से हम क्या करें, इनकी एरिया हाफ कर दें। याद रखिए कितना आया था, ये प्रेस करने पर 4 3.5 3.6 4 इस तरह की चीज़ बता रहा था। और अगर हम अब क्या कर सकते हैं, या तो हम डाइलेक्ट्रिक और डाल दें, थिकनेस बढ़ा दें,
डायलेक्ट्रिक यानी दो दो शीट हमने वाइट वाला डाला हुआ है, ठीक है ना, वाइट वाले दो शीट डाले हुए हैं। अब हम क्या करें, दो शीट और डाल देते हैं, ये दो शीट और डाल देते हैं हम वाइट वाले इनके बीच। तो वाइट वाले दो शीट और हमने डाल दिए इसमें, अब इसको वापस फिर रख देते हैं। ये अब इनके कनेक्टर्स पहले तो एक ओर से प्रेस कर दें कि टच ना करें, कतई ये टच नहीं कर रहे हैं, एकदम सही है। और एक ओर से हम प्रेस कर देंगे तो फिर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा अब खिसकेगा नहीं। और अब इनके बीच सेपरेशन क्या हो गई, टू शीट्स की जगह फोर शीट्स हो गए, तो अब सेपरेशन क्या हो गई, अब डबल हो गई लगभग, हालांकि प्रेस करने पर थोड़ा सा वो डिफरेंस आएगा ही आएगा। और ये हमने यहाँ पर एक डाल दिया, देखिए एक एक तो यहाँ पर ऐसे डाल दिया, ये इस सीट पर, इस सीट के लिए, तो एक इस सीट के लिए डाल दिया, ठीक, एक ऊपर वाली सीट जो देख रहे हैं ना, ये सीट है, इसके लिए एक डाल दिया यहां कनेक्टर, ये ऐसा हो गया, ठीक। और इसको हमने पास में थोड़ा कस दिया, टच ना करे। और दूसरा सीट उस पार, दूसरी सीट के लिए, ये जो यहाँ सीट है ना, यहाँ पर सीट है, उस सीट के लिए दूसरा दूसरा रख दिया, देखिए ए एल्युमिनियम सीट, हाँ। तो ये देखिए ये हो गया, फिर कनेक्ट कर दिया मैंने, क्या किया इस बार, क्या किया याद है, फिर मैंने बस इस बार क्या किया है, फोर सीट की जगह टू सीट्स यूज कर लिया, ठीक। अब देखिए क्या है, पहले 35 आ रहा था ना, थ्री पॉइंट फाइव फोर ऐसे आ रहा था, अभी क्या आ रहा है, वही थ्री और फोर के बीच में आ रहा था, दबाने पर थ्री और फोर के बीच में आ रहा था, अब भी वही हाल है, इसको प्रेस करने पर 1.9 आ रहा है, एंड दो सीट लगा दिया, सेपरेशन डबल हो गई। तो ये अच्छी रीडिंग दे रहा, ये इसकी जो रीडिंग है या इस पे जो चेंजेस हैं वो ठीक हैं, तो डबल थिकनेस कर दिया या बीच की सेपरेशन डबल कर दिया, तो लगभग हाफ हो गया कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस देखिए क्या हुआ, इसका हाफ लगभग हो गया, और ये ऐसे बता रहा है 1.8 बता रहा है, और 3.5 से 4 ऐसे 3.5 से लेके 4 तक, जब दो सीट बीच में थी तो वैसा बता रहा था, अब इसमें क्या है, चार सीट्स हैं, तो डबल सेपरेशन हो गया ना, हम दबाए हुए हैं इसलिए ये अब हाफ बता रहा है। अब इसको जल्दी हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा एरिया हाफ करके आपको बता दें इसी में। अब हम इनको क्या करेंगे, इनको वन फोल्ड लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये एरिया हाफ हो जाएगी, एरिया हाफ हो जाएगी। अब एक इसको हम डबल फोल्ड लगा के यहीं पर चिपका देंगे ऐसे, मीन्स ये सिंगल कंडक्टर रहेगा, ये नहीं डबल फोल्ड हो गया तो डबल कंडक्टर होगा, तो ये एक ही कंडक्टर है, ठीक। ये देखिए तो ये एरिया इसकी क्या हो गई, हाफ हो गई ऐसा। वैसे ही दूसरे वाले को भी क्या करते हैं, इसकी भी एरिया को हाफ कर दें, ये भी एरिया, ठीक है ना। अब इसमें ये है कि यहाँ पर जो एरिया ए आती है वो एरिया क्या है, वो एरिया जो सामने सामने की एरिया पड़ती है वो है, जैसे इसका इतना है और इसका इतना, ये एरिया सामने सामने, तो थोड़ा सा जो कॉर्नर वाला पड़ रहा है ना उतनी ये वाली एरिया होगी, ये नहीं कि जरूरी कि एक प्लेट की पूरी एरिया होगी, जो सामने सामने जितना पड़ेगा वो एरिया होगी, अगर ये सामने सामने पूरा पूरा पड़ रहा है तब फिर पूरी एरिया है। तो इनके बीच में
क्या होना चाहिए याद रखिएगा, दो पेपर शीट थी, पूरा ये बड़ा पूरा ओपन हुआ था, ये पूरा डबल था, तो दो दो पेपर शीट रहने पर ये 4 नैनोफैरड तक पहुंच गया था, और अगर इसमें चार सीट्स हैं तो ये क्या पहुंच गया 1.9, 1.8, यानी ठीक हाफ, वहाँ दो सीट रहने पर ये 3.6, 3.8, 3.9, 4 ऐसे बता रहा था, और फोर सीट रहने पर ये 1.8, 1.9 या 2 बता रहा था, तो जस्ट आधा हो गया था फोर सीट करने पर, यानी सम डबल करने पर। अब हम क्या कर रहे हैं, इनका एरिया एरिया इसका हमने हाफ कर दिया। देखिए अब हम इसी साइड से इसको कनेक्ट करेंगे, बशर्ते क्या होना चाहिए, आपस में कनेक्ट नहीं होना चाहिए। एक बार वेरीफाई कर थोड़ा आप देख लें कि आपस में कनेक्टेड तो नहीं ना, ये आर पार टच नहीं करना चाहिए, हो सकता है देखिए ऐसे कनेक्ट टच हो जाए, थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए कि ये टच ना हो, शीट्स आपस में टच ना हो, थोड़ा इनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, मेटेलिक कॉन्टैक्ट यानी कंडक्टिंग कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा खिसका के इसको, अब इसको हमने रख दिया इस तरह, अब इसमें कनेक्टर्स डाल दें हम दोनों, एक इस साइड एक उस साइड, देखिए ये एक इस साइड कनेक्टर, यहाँ पर कनेक्टर एक इस साइड में, और एक कनेक्टर क्या इस साइड में डाल दें, यहाँ पर थोड़ा आगे पीछे कर देंगे तो ये चिपकेगा आपस में, कट सटेगा नहीं, ये प्लेट्स दोनों दूर दोनों आपस में मेटेलिक कॉन्टेक्ट नहीं होने चाहिए। तो ये हो गए, थोड़ा सा दूर रख करके इनको हम, ये वाला ऊपर वाली प्लेट से है और ये वाला नीचे वाली प्लेट से, तो इनको क्या उम्मीद करते हैं, सीट चारों हैं, सीट चारों हैं, एरिया हाफ हो गई। देखिए यहाँ पर सीट चारों यानी थिकनेस वही है, अब डी क्या है जो 1.8 आ रहा था, 1.9 या 2 आ रहा था वही वाला है, एरिया बस हाफ हो गई। तो एरिया हाफ होने से क्या हो जाना चाहिए, 1.8 याद रखिए, 1.8 और 1.8, तो ये हो गए। हाँ अब देखिए क्या है, आपको दिखेगा ये क्या है, क्या बता रहा है 0.7, 0.8, अभी दबाए नहीं हुए, इसको प्रेस करेंगे तभी जा करके, क्योंकि हर रीडिंग हमने प्रेस करके लिया हुआ था, तो हम प्रेस करेंगे तब समझ में आएगा। तो देखिए क्या हुआ, 1.2, 1.1 और ऐसे, तो आ रहा है ना 2 का आधा लगभग, यानी एरिया हाफ कर दिए तो 2 का हाफ आ रहा है ऐसे। तो इस तरह से क्या हो गया, ये कैपेसिटर आपके बन गए हाफ एरिया के। तो बच्चों यही है, ये काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट है, आप घर पे कर सकते हैं, एल्युमिनियम फॉयल आपके पास है, वायर कनेक्टर बस चाहिए। हाँ ये आपको पढ़ने के लिए नहीं है, जहाँ आपको मिलेगा वहाँ जरूर करेंगे। तो यही है, कैपेसिटर तो बन जाएगा, लेकिन ये कैपेसिटर मीटर, ठीक है, ये जो LCR मीटर है ये थोड़ा हो सकता है आपके पास नहीं होगा, तो हम देखिए ये दो टम्बलर हैं, गिलास जिसको आप घर में कहते हैं, ये पानी पीने या दूध पीने, चाय पीने, जो भी आप यूज़ करते हैं ये करते ही हैं। तो इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको भी हम एक मेजरमेंट ले सकते हैं इनसे कि क्या होगा इनका कैपेसिटेंस अगर इनसे बनाया जाए। तो देखिए ये क्या है, एक प्लास्टिक है, पेपर भी यूज़ कर सकते थे, इन ये दो कंडक्टर्स की तरह यूज़ कर लें हम, देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे, तो ये चिपके ना आपस में, ये बहुत ज़रूरी है कि चिपके ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये थर्माकोल एक तो हम नीचे डाल देते हैं, एक थर्माकोल नीचे डाल दिए कि ये बॉटम में तो नहीं चिपकेंगे, और रह गई बात साइड में ना चिपकने की, तो साइड में भी ना चिपके इसके लिए हम क्या उपाय करेंगे, ये हम प्लास्टिक के क्या करेंगे, ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है प्लास्टिक, इसको हम इसमें लगा दे रहे हैं, देखिए ये हो गया फिट। तो ये आपस में चिपक नहीं रहे, कहीं नहीं चिपक रहा होगा, बॉटम में भी नहीं होगा, और किनारे किनारे मैंने प्लास्टिक लगा रखा है, ये दो गिलास है, ठीक है। और इनका कैपेसिटेंस हम मेजर कर सकते हैं,
पहले तो कनेक्ट करना ही इसका टेढ़ा काम है। ठीक, कनेक्ट तो हो गया, ये देख रहे हैं अच्छा खासा है ये, सॉरी हाँ ये नैनो फैराड में 3.2 बता रहा, नैनो फैराड में 3.2। ठीक, तो ये दोनों कंडक्टर की तरह काम कर रहे हैं, ये नैनो फैराड में सॉरी 0.3 है, यहाँ पर अभी 0.3 बता रहा है। ठीक है, ये बार बार निकल जा रहा है इसमें से, तो ये देखिए सॉरी ये 0.911 ऐसे करके 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 पहुँचा, ऐसे 1.7 पहुँच गया, 1.8 पहुँच गया। कुछ वजह है जो ये बढ़ना फ्लक्चुएट करता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, लेकिन फिर भी नैनो फैराड के लेवल का कैपेसिटेंस बता रहा है। तो आप जानिए कि ये कम नहीं है, है ना, ये आप इसको इसकी एवरेज वैल्यू लेंगे तो भी ये 1 और 2 के बीच में है। तो 1 और 2 के बीच का ये कैपेसिटेंस बता रहा है ये ग्लास, है ना, ये दो टम्बलर जो रखे हुए। तो ये ठीक, तो कैपेसिटर यानी हमारे कहने का मतलब क्या है, जो बताना था आपको कि ये बहुत सिंपल है बनाना कैपेसिटर। जो कंडेंसर आप बोलते हैं कहाँ पर होता है, इधर बाकी फैन वगैरह में या कुछ मोटर में देखते होंगे, वो कंडेंसर है वो है, तो ज़रूर वहाँ देख सकते हैं आप कि वहाँ खोल के जो पुराना है ओपन के तोड़ के देख सकते हैं उसमें क्या होगा। एक लगता है कि प्लास्टिक सीट पर ऐसा ही क्या किया गया है, प्लास्टिक सीट पर दोनों ओर से बस पॉलिश कर दिया होता है, मेटल का मेटल डिपॉजिट कर दिया जाता है, होती है प्लास्टिक सीट, ऐसे ऐसे प्लास्टिक सीट होगी पतली सी लंबी सी होगी, उस पर मेटल ऐसे क्या करते हैं डिपॉजिट कर देते हैं। तो वो मेटल डिपॉजिट करने के करके और दोनों ओर में मेटल हो गया, मेटल हो गया बीच में प्लास्टिक हो गया, तो कैपेसिटर बन जाता है। और बहुत लंबी सी प्लास्टिक वो डिपॉजिट किए हैं, ऐसा ऐसा क्या करते हैं उसको लपेट देते हैं बहुत बड़ा सा, तो एरिया बहुत बड़ी मिल जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं कि ये कैपेसिटर बन गया। तो बच्चों ये थोड़ा सा रहा, अभी आप वो कम्बिनेशन इसमें बता नहीं पाए कि दो कंबाइन करते हैं तो कैसे होता है, और तो क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, फिर इसमें किसी दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे इसके लिए कि कंबाइन करेंगे तो क्या होगा। ठीक, तो फिर इसको हम यही रोकते हैं, और अगला वीडियो हम क्या करेंगे वांडीग्राफ जनरेटर पर, कि वो कैसे क्या है ये, और उसके बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, आप देखते रहिए, इसको देखिए, पूरा देखिए, समझिए, अपने क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो भेजिए, और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए, इसको शेयर करिए वीडियो को, और साथ में अगले वीडियो के लिए हमेशा तैयार रहा करिए, जब भी मिले आपको जल्दी से देख लिया करिए। थैंक यू वेरी मच।